ये हो गया मम्मी बनके तैयार। हाँ एकदम बनके तैयार हो गया। देखो चंपारण स्टाइल में कटहल जाने क्या निकल रहा है, नॉनवेज आ रहा है एकदम सुनहरा पीस। ये देखो जूस, देखो ये देखो ये देखो ये क्या लोगी भाई, क्या बना रही हो मम्मी? हम आज चंपारण के अपना स्टाइल मतलब ये कटहल की सब्जी बनाएंगे। ये बिल्कुल आसान है और जब तुम खाओगे तो बताओगे कि कैसा टेस्ट होता है। अपना स्टाइल, हाँ कटहल की सब्जी। हाँ कटहल की सब्जी पूरा तरीका वही रहता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ठीक है ये तो ठीक है बनेगा मम्मी। हाँ और इतने दिन से अपन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या बातें थी, ये सारी चीजें भी बताएंगे। हाँ, इसके लिए अलग से एक वीडियो आएगी। हाँ, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। हाँ, ताकि मिस ना हो। हाँ, हाँ, बनाया जाए मम्मी इसको। हाँ बनाया जाए। चलो बता दो फिर। तो देखो ये एक किलो का कटहल था, छील काट के जो निकला है आधा किलो से ज्यादा है और एक किलो से कम है। ठीक है तो मतलब जैसे आधा पड़ता है, जैसे एक किलो ये रहेगा ना तो आधा किलो प्याज पड़ेगा, आधा किलो रहेगा तो एक पाव प्याज पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हम इस हिसाब से उसके आधा हम ये ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं। हाँ ये चार हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं क्योंकि ये हरी मिर्ची ज्यादा तेज नहीं है, इससे खुशबू अच्छा आएगा। मम एकदम अहुना मटन जैसे बनता है, उसी स्टाइल पे बन रहा है। बिल्कुल स्वाद तो बहुत अच्छा होता है, सेम मसाला सब कुछ। अगर उस स्टाइल में बन रहा मम्मी तो कितना तगड़ा स्वाद आएगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब देखो ये एक इंच अदरक का टुकड़ा है, एक बड़े गांठ लहसुन है। देखो प्याज जहाँ ज्यादा पड़ता है वहाँ लहसुन भी डालना चाहिए, तो प्याज मीठा नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। देखो ये कुछ खड़े गर्म मसाले है, जो भी घर में है खड़े गर्म मसाले उसको डाल देना है। जीरा, काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी, हाँ ये सब टेबल स्पून है। देखो ये 1.5 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर है, ये आधी चम्मच देगी मिर्च है, और एक तिहाई ये कश्मीरी मिर्च है। देखो ये हल्दी है लगभग आधी चम्मच, ये मीट मसाला है 1 चम्मच, और ये थोड़ी सा गरम मसाला है। अब देखो यहाँ 2 लहसुन डाल देंगे। ये फुल ऑन अमूना स्टाइल स्टाइल है, इसमें बिल्कुल झंझट नहीं होता है, बहुत आसानी से बन जाता है, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मम्मी सबसे अच्छी चीज इसमें इस रेसिपी में क्या है पता है मम्मी? आराम से ज्यादा और सब एक बार में, मतलब बार बार का लफड़ा नहीं। देखिए ये सरसों का तेल है, करीब 100 ग्राम तेल है, इसको खूब मैंने खौलाना नहीं है, थोड़ी गर्म करके फिर इसमें डालना है। ज्यादा खौलाने से पतला हो जाता है तेल, फिर न कलर आएगा और न ही स्वाद आएगा उतना अच्छा। अब इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, धुआं जितना हो जाए है ना। हाँ। बढ़िया मसाज हो रहा है। हाँ। मम्मी खुशबू इसकी जो है ना, अगर कोई खड़ा है तो एकदम मन तरोताजा हो जाता है देख के। हाँ। और दिखने में भी एक नंबर है। हाँ। और स्वाद भी लग रहा है कि हाँ। तो इसको बहुत बढ़िया से अच्छे से मिलाना है, प्याज जितना बारीक हो सके उतना बारीक काटना है। मम्मी आपको मिलाते हाँ। देख के मेरे को भूख लग रही है। और ये अदरक लहसुन है ना कूट के डाले तो ज्यादा अच्छा है, दरदरा पीस के या कूट के वैसे ही हम डाले हैं। ठीक है तो मिला लेते हैं। हाँ मिला लेते हैं। अब देखो इसको अच्छी तरह हम मिला दिए हैं बस। हाँ अब बस इसको किसी भी मोटी तली के बर्तन में, बंद बर्तन में इसको बनाया जा सकता है, नहीं कुछ हो तो कम से कम कुकर बिना ढक्कन बंद किए कुकर में रखेंगे। अब इसको करना कुछ नहीं है, चुपचाप इसमें डाल देना है। क्या बात है सब इसमें घंटी बज रही है, टकरा रहा है ना। ये जा रहा है बढ़िया अपना, कोई भी मोटा तली का बर्तन में। हाँ बंद बर्तन थोड़ा होना चाहिए जिसको अपन बंद कर। हाँ जैसे तसली है चाहे इस प्रकार का रहे, तो खैर इस तो सबके घरों में अब नहीं रह गया है पुराना बर्तन। कुकर में भी बनाया जा सकता है, बस उसको ढक्कन को कसना नहीं है, ऊपर से रखना है। क्या बात है, क्लोज अप शॉट एक तो। हाँ अभी से ही ऐसा दिख रहा है, बनने के बाद कैसा दिखेगा भाई? जैसे ये मिला दिए तो मिला के 5 मिनट छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है तो इसको हम उसमें डाल देते हैं। हाँ डाल देते हैं, इसको डाल देंगे जो थोड़ी सा पानी आधी कप लेके इसको मिला के डाल देंगे, ताकि वो जो प्याज पानी छोड़ने में सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा पानी जो इसमें मसाला लगा हुआ है। हाँ मसाले के मतलब प्याज को गलाने में थोड़ी सपोर्ट करेगा, बस थोड़ी सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। देखो बस बस बस
क्या बात, हाँ, इसमें डाल देना है। ये गया, हाँ ये गया। ओ, 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 ओ। और मम्मी अब इसका क्या किया जाएगा? अब इसको बस ऐसे बंद ढक्कन से ढक देंगे और हाँ। इसको धीमी आंच पर चढ़ाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मतलब जले नहीं। देखो हर जगह होना तो मिलता नहीं है मिट्टी का, तो इसको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हम चलाएंगे। और मम्मी ये कटहल है तो थोड़ा जल्दी गलेगा? हाँ जल्दी गलेगा, इसीलिए तो बोले हैं बारीक प्याज काटने के लिए। ठीक है, हाँ देखो गैस पे इसको हम चढ़ाएंगे कम आँच पे। ठीक, अब देखिए इसको हो गया है करीब 7-8 मिनट हो गया है भूनते हुए। अब इसको थोड़ी सा भूनने के बाद पानी डालना पड़ता है क्योंकि कटहल पानी तो छोड़ता नहीं है। हाँ, पानी, तो हाँ, प्याज ही का बस रहेगा। हाँ प्याज का तो अपने जरूरत अनुसार पानी थोड़ी डाल लेना है। हम आधा गिलास बाद में करीब पानी डाले हैं, देखते हैं इसका क्या पोजीशन। मम्मी मत ऐसे करो यार। देखो, अरे भाई देखो प्याज लगभग गल गया है लेकिन कटहल अभी नहीं गला है। ये हुई ना बात मम्मी। ओहो इसको आज तो मम्मी तगड़ा मजा आने वाला है इसके बाद। अब हमको इसको सूखे ही बनाना है, ज्यादा ग्रेवी नहीं है, मतलब लदबद रखना है इसी टाइप का। क्या बात है, तो हम थोड़ी देर तक इसको कटहल को और अभी पकने देंगे और फिर ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार। हाँ, बिल्कुल मैं तैयार पड़ूंगा मम्मी। टूट पड़ना लेकिन चावल पर नहीं टूटना पड़ेगा, हम बता दिए पहले। मम्मी बहुत तगड़ा दिख रहा है, क्या बात है। तगड़ा तो बहुत टेस्टी, देखो खुशबू कितना अच्छा आ रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया है। चलो थोड़ा सा और फिर बन जाने। देखो किसी किसी को रहता है ना कि कलर अच्छा नहीं आ रहा है, तो बड़ी इलायची और लौंग जो है उसको पीस के डालें तो कलर अच्छा आएगा। वैसे तो हम घर का बना पाउडर, स्पेशल पाउडर बनाया है, मिर्ची पाउडर जो हम किचन टिप्स में दिए हुए भी हैं, तो उसके कारण कलर बहुत अच्छा है। किचन टिप्स वाली वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ तो चलो अब इसको थोड़ा सा मम्मी, हाँ थोड़ी और पकेगा ना अभी। ठीक है, कटहल को पकने देना है अभी। मम्मी 15 मिनट हो गए हैं। हाँ। अब खुलासा कर दिया जाए। हाँ, देखो बन के तैयार है। ओ, हो, अब हम गैस को बंद कर रहे हैं। ओ, हो, अब देखो हम बीच में खुशबू बहुत अच्छा, खुशबू कैसा मारा मम्मी, बहुत अच्छा। देखो हम बीच में चेक कर लिए हैं, कटहल बिल्कुल पक गया है। अब देखो ये हो गया मम्मी बन के तैयार। हाँ एकदम बन के तैयार हो गया, देखो चंपारण स्टाइल, चंपारण स्टाइल में कटहल। जाने क्या निकल रहा है, नॉनवेज आ रहा है। हाँ। यार खुशबू कितनी तगड़ी मम्मी इसकी। हाँ, तो इसका कंपेयर लोग नॉनवेज से ही करते हैं भाई, इसीलिए तो इसमें तेल मसाला का कटहल चाहोगे कि बिना तेल मसाले के। हाँ, ना, ना, उबला हुआ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये रोज बनने वाला सब्जी नहीं है, आदमी कभी कभी बनाता है और स्पेशल बनाता है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये हुई ना बात, मजेदार एकदम। अब देखो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मम्मी सर्व नहीं, अब सीधे पेट में सर्व होगा। हाँ, ठीक है ना, थाली के ये देखो पेट पे क्या बात है यार, ये पीस दिख रहा है ना जो एकदम फील आ रही है मम्मी, मैं बता रहा हूँ कितना बढ़िया मस्त बना है, एकदम एकदम तगड़ी वाली फील आ रही है। हाँ बस ध्यान देना है कि थोड़ी पानी डालना पड़ेगा क्योंकि कटहल पानी छोड़ता नहीं है। हाँ ये बात है, मुझे बहुत प्यारा। 5 मिनट के बाद थोड़ी भून के आधा गिलास पानी डाल, और कलर भी बहुत प्यारा है, कितना अच्छा कलर आया। चलो तो फिर इसको फटाफट में अपन इसकी हल्की सी टेस्टिंग हो जाए। अच्छा पक गया। गरम बहुत है यार, गरम बहुत है, लेकिन रेशे रेशे तक में देखो मम्मी ग्रेवी एकदम रेशे रेशे तक में गई है। किया जाए टेस्टिंग थोड़ी सी। देखो चावल के साथ तो मैं क्या बोलू, हर चीज ही अच्छी लगती मेरे को, मैं क्या बताऊं। इनको तो हर चावल पसंद ही है, तो हर चीज। मम्मी कुछ स्पेशल टिप इसको बनाने के लिए? स्पेशल टिप यही है कि अगर कलर कोई अच्छा चाहे लाना तो काली मिर्च और वो क्या बोलते हैं बड़ी इलायची को और लौंग को पीस ले। ये बम्पर को और मार रहा हूँ मम्मी। हाँ मम्मी एक चीज बोलूं, ये प्रोबेबली मतलब शायद ये सबसे अच्छा तरीका है कटहल का सब्जी बनाने का। ये तो बैचलर बच्चे भी बना लेंगे, उन लोगों को भी मन करता है कटहल की सब्जी। इतना टेस्टी भाई साहब, तो उन लोग के पास अगर इतना टेस्टी ये सब्जी है, ये बना ले, इतनी टेस्टी। ओ माय गॉड, अच्छा लगा, कुछ अलग ही लेवल पे है, तो बहुत अच्छा आ रहा है। देखो ये कटहल पीस देखो, एकदम सुनहरा पीस। ये देखो जूस देखो, ये देखो ये देखो ये
क्या लोगी भाई, इतने आसान और इतने कम टाइम में और क्या चाहिए। हाँ, आसान तो बहुत है, इसमें तो कोई नहीं। टेस्टी कितना अच्छा। बहुत ज्यादा ही टेस्टी है मम्मी, एक्सेसिव टेस्टी है। तो बोल रहा हूँ ना कि ये शायद सबसे अच्छी रेसिपी है अभी तक की। सब कुछ बना सकते हैं आसानी से, घर का मसाला। ये क्या दिख रही है भाई, क्या लग रही है टेस्ट में। ब्रिलियंट यार। पानी तो नहीं है बेटा, ला दे। ले लूंगा मैं। ब्रिलियंट लग रही मम्मी। खाना खाने का टाइम हो ही गया है, बन ही गया। क्या लग रही है वाकई। लहसुन खा के दिखा दो। बहुत लोग बोलते हैं लहसुन को कैसे खाते हैं, तो जैसे मुनगा वगैरह खाते हैं वैसे ही खाते हैं इसको। एकदम ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा। ये हाल हो जाता है लहसुन का। टेस्ट टेस्ट तो मतलब बम्पर टेस्ट है, बम्पर। मम्मी एक दो कोर और खा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बैठ के खाना चाहूंगा। हाँ, ठीक। क्या लग रही है, मजा आ गया।